2020 नेक्सॉन के लॉन्च के बाद अब टाटा नई नेक्सॉन में आपको डीसीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन प्रोवाइड करवाने वाली है, जिसको कई बार रोड टेस्टिंग के दौरान स्पाइट किया गया था और फिर से एक और बार रिसेंटली नेक्सॉन डीसीटी को स्पाइट किया गया था, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैंने काफी टाइम पहले भी नेक्सॉन डीसीटी पर एक वीडियो बनाई थी जहां पर इसको फुली कैमोफ्लाज एक्सटीरियर्स में स्पाइट किया गया था, लेकिन इस बार इसको बिना कैमोफ्लाज के स्पाइट किया गया है। स्पाइड इमेजेस में इसका ऐसा कोई भी चेंज नहीं दिखने को मिल रहा इस डीसीटी वर्जन में। ये बिल्कुल सेम है स्टैंडर्ड नेक्सॉन के एक्सजेड प्लस वेरियंट जैसा, जहां पर इसको डुअल टोन एक्सटीरियर पेंट स्कीम और 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। चलिए अब नेक्सॉन डीसीटी के इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्सॉन डीसीटी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 130 पीएस की पीक पावर और 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। हालांकि अभी तक टाटा ने इस पावर आउटपुट के फिगर्स पर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दी है, पर काफी सारी रिपोर्ट्स और लीड इनसाइड न्यूज से ये पता चल रहा है कि टाटा 1.2 टर्बो पेट्रोल इंजन की पावर बढ़ा सकती है 130 पीएस तक। अगर ये इंजन आउटपुट टाटा नेक्सॉन डीसीटी में नहीं देती, फिर आपको करंट आउटपुट फिगर्स वाला इंजन ही मिलेगा डीसीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। करेंटली नेक्सॉन के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको 120 पीएस की पीक पावर और 170 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट मिलता है, जो कि सेगमेंट लीडर से मैच करता है। अगर डीसीटी गियरबॉक्स की बात करूं, तो ये एक 7-स्पीड यूनिट हो सकता है जो कि टाटा खुद से डेवलप कर रहा हो, और यही सेम गियरबॉक्स टाटा आपको एल्ट्रॉस के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी ऑफर करेगा। बेसिकली टाटा का ये 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नेक्सॉन के 6-स्पीड ईएमटी गियरबॉक्स से काफी बढ़िया है, और टाटा इस गियरबॉक्स के साथ हुंडई वेन्यू के डीसीटी वेरियंट्स को डायरेक्टली टक्कर देने में सक्षम हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या पता टाटा इस गेयरबॉक्स के साथ आपको कनेक्टेड कार टिक के फीचर्स भी ऑफर करना शुरू कर दे, जिसकी मदद से आप नेक्सॉन को रिमोटली स्टार्ट स्टॉप एसी ऑन ऑफ कर सकेंगे। ये तो हो गई इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशन की बात। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। नेक्सॉन डीसीटी वेरिएंट्स में भी आपको स्टैंडर्ड नेक्सॉन जैसे ही फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएस विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स, 7 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, वॉइस कमांड्स, ऑटोमेटिक एसी, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो, एमआईडी एंड क्रूज कंट्रोल्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, फ्रंट यूएसबी चार्जर, 16 इंच डायमंड कट अलॉयज, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिक सनरूफ, फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर पावर आउटलेट, शार्क फिन एंटीना, कनेक्टेड कार सेफ्टी फीचर्स, जैसे काफी सारे फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात करूं, तो सेफ्टी में आपको डुअल एयरबैग्स, एबीएस, एबीडी, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। और स्टैंडर्ड नेक्सॉन की तरह ही नेक्सॉन डीसीटी भी सेफ्टी में अपने सेगमेंट में बेस्ट होने वाली है। अब आखिर में इसकी प्राइसिंग और इंडिया लॉन्च की बात करूं, तो टाटा डीसीटी ऑटोमेटिक आपको टॉप वेरिएंट्स में प्रोवाइड करवाएगा। बेसिकली एक्सजेड प्लस और एक्सजेड प्लस ऑप्शनल वेरिएंट्स में आपको डीसीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने वाला है। इन वेरिएंट्स के प्राइजेस मैनुअल वेरिएंट से करीब 1 लाख से 1.2 लाख महंगे रखे जा सकते हैं। और अगर इतना प्राइस डिफरेंट अगर हमें मिलता है, तो फिर एक्सजेड प्लस डीसीटी वेरिएंट 10.5 लाख का और एक्सजेड प्लस ऑप्शनल वेरिएंट 12 लाख का प्राइस किया जा सकता है। इन दोनों वेरिएंट्स में आपको डुअल टोन रूफ वाले वेरिएंट्स भी मिलेंगे। अब अगर इसके लॉन्च की बात करूं, तो टाटा इसको इस साल के फेस्टिव सीजन में लॉन्च कर सकता है, और लॉन्च होने के बाद ये डायरेक्टली हुंडई वेन्यू डीसीटी के साथ कम्पीट करेगी और इस सेगमेंट की बाकी एसयूवीज के साथ भी। तो ये था मेरी तरफ से 2020 टाटा नेक्सॉन डीसीटी वेरिएंट से जुड़ी एक और अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
और ऐसी ही अपडेट्स सबसे पहले जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।